हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले एमफेसिस के बारे में। एमफेसिस ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर किया। रिजल्ट उतने बढ़िया नहीं रहे जितने परसिस्टेंट के रिजल्ट आए, जिस कारण स्टॉक थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है। बट अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखें, खराब नहीं है, क्योंकि रिजल्ट प्रीवियस क्वार्टर से थोड़े अच्छे आए हैं। हाँ, मार्केट को जितना एक्सपेक्टेशन था वो फायरवर्क शायद रिजल्ट में मिसिंग है। बट स्टॉक जिस रेंज पे अगर और नीचे आता है, डेफिनेटली आपको बाय करना चाहिए। स्टॉक का जो 52 स्लो है 2070 है, प्रेजेंट प्राइस 2222 है, यानी ये स्टॉक का जो बाइंग जोन है वो 2100 के करीब बनता है। अगर किसी कारण यहाँ से स्टॉक 5% और गिरता है ड्यू टू मार्केट करेक्शन, क्योंकि यूएस मार्केट वोलेटाइल, अगर यूएस मार्केट डाउ 500 पॉइंट्स गिरता है, सो डेफिनेटली हमारे आईटी स्टॉक गिरेंगे। एंड आईटी में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे मिड कैप आईटी। सो इन दैट केस अगर इसी रेंज में फिर से आता है 2000 के करीब, वहां पे आपको स्टॉक को बाय करना है। अगर आप स्टॉक को दो साल के लिए होल्ड करते हो, 3000 से ऊपर का टारगेट आपको डेफिनेटली मिलेगा। लेस देन वन ईयर भी ये टारगेट आप अचीव कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड स्टॉक, कंसिस्टेंट परफॉर्मर, प्राइस टू अर्निंग बिलो 30 का है, एंड ओवरऑल ऑल आईटी कंपनीज के परफॉर्मेंस बढ़िया है। सो आपको एक बास्केट बना के चलना है, जिसमें माइंड एमफेसिस, कोफोर्ज, माइंडट्री, एलएनटी टेक, टाटा इलेक्साई, पर्सिस्टेंट सिस्टम जैसे कंपनीज को आपको पोर्टफोलियो में ऐड करना है। अगर ब्रोकरेज टारगेट देखें 3600 के करीब है। अगर हम स्टॉक का टेक्निकल देखें, टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। RSI में MFI में इसका स्कोर है 50, यानी ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच में, क्योंकि स्टॉक नीचे गिरा था, वहां से स्टॉक ने रिकवरी दिखाई, फिर से स्टॉक उसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। सो इसी जगह से किसी भी तरह का मूवमेंट दिखा सकता है। अगर डाउ गिरता है तो डेफिनेटली स्टॉक 5-6% और गिरेगा, जिसका चांसेस ज्यादा है। अगर डाउ रिकवर करता है तो स्टॉक ऊपर की तरफ तो जाएगा, बट कंपेयरिंग टू पर्सिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज, माइंडट्री, उनके मुकाबले इसका ग्रोथ जो है वो थोड़ा कम रहेगा। सो डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड बेस्ट थिंग टू डू। अगर आप स्टॉक का 100-200 सिंपल एक्सपोजर में यहाँ पे देखोगे, वो 2600 निकल का आता है, जो कि मेक और ब्रेक लेवल, एंड वहां से स्टॉक बहुत नीचे ऑलमोस्ट 400 रुपीज। सो डेफिनेटली इस रेंज को जब तक पार नहीं करता, बहुत स्टॉक तो बुलिश नहीं होगा। 3000-3200 रेंज था स्टॉक का। 3000 ब्रेक करने के बाद किसी ने सोचा नहीं था कि 2000 तक ये स्लिप हो सकता है, बट डेफिनेटली अगर 2000 आग बंद करके आप स्टॉक में थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो। एज आई सेड, आईटी स्टॉक में बाय करना है तो बकेट बनाकर बाय करना है, जिसमें 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो होगा। टॉप 5 आईटी कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होने चाहिए, उसी के साथ साथ 5-6 मिड कैप स्मॉल कैप आईटी कंपनीज भी होना चाहिए। 10-12 मैक्सिमम, 12 से ज्यादा स्टॉक ऐड करने की जरूरत नहीं। सो दैट इज यू हैव टू डू। अगर आप स्टॉक का 1 वीक हाई लो देखोगे, सो 1 वीक लो ही 2070 था, वहां से स्टॉक ने रिकवरी दिखाई, रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं है। सो जिस कारण स्टॉक का नीचे है, मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, बट आई थिंक कि अगर डाउ किसी कारण से 400-500 पॉइंट गिरता है, सो दैट डे ये स्टॉक फिर से एक बॉटम बनाने का कोशिश करेगा, एंड यहाँ से स्टॉक फिर से इसी रेंज को टच करेगा। सो अगर जब इस रेंज पे, तब आपको स्टॉक को बाय करना है। सो अभी स्टॉक को रडार पर रखे, डोंट डू एनीथिंग। अगर बाइंग करना है सो स्टॉक लाइक पर्सिस्टेंट, माइंडट्री, एलएनटी, इंफोटेकिंग स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा, रिजल्ट अच्छे, टाटा इलेक्सा, ये अगर करेक्शन में मिला तो आपको इन स्टॉक को बाय करना है, जहां से आपको ज्यादा बाउंस बैक दिखेगा और मार्केट रिकवरी। एज आई सेड, रेजिस्टेंस कहाँ पे 2000 के करीब बाय करना है, एंड ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो 2600 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकली 2400 रेजिस्टेंस है, बट वहां तक जाने के लिए स्टॉक में बहुत ज्यादा फायरवर्क्स लगेगा। जिस तरह का रिजल्ट है एट दैट मोमेंट, आई एम नॉट थिंकिंग दैट is going to happen. Financials को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो result है बहुत ही important है. In this quarter result is not bad. Revenue 3,446 crore आया versus 3,316 crore, यानी quarter quarter basis पे revenue बढ़ा है. Operating profit 600 crore versus 577 crore, profit before tax 532 crore versus 515 crore, net profit 401 crore जो कि all time high है versus 392 crore. So performance बहुत बढ़िया नहीं, क्योंकि जो इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, उनको एटलीस्ट 10% का मूवमेंट चाहिए था, बट उतना बड़ा मूवमेंट आया नहीं इन द प्रॉफिटेबिलिटी। सो डेफिनेटली परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से खराब नहीं है, बाय ऑन डिप स्टॉक कंपेयर टू पीयर्स, रिजल्ट थोड़े वीक है, दैट इज ऑलवेज हैपेंड। अगर इस स्टॉक के बारे में और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें, पीयर्स कंपैरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई सेड, आपको एक बास्केट बना के चलना है, जहां पे सारे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रखने हैं। मिड कैप आईटीज में जो कंपनीज है, उसमें सबसे फेवरेट जो मेरा कंपनी है वो है पर्सिस्टेंट सिस्टम, जिसके रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। टाटा इलेक्सा, एलएनटी, इन्फोटेक, कोफोर्स, ओरेकल फाइनेंस, माइंडट्री, ये सारे कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, इंक्लूडिंग एम्फेसिस, टेक महिंद्रा। एंड अगर लार्ज कैप पे आप जाओगे, सो TCS, इंफोसिस तो सभी के पोर्टफोलियो में होते, उसी के साथ ACL, विप्रो आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होने चाहिए। सो पीयर्स में सभी कंपनीज आर गुड, एंड आपको एक बास्केट बना के चलना चाहिए, मैक्सिमम 12 स्टॉक का।
नाउ अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो जो शेयर होल्डिंग है उसमें प्रोमोटर्स होल्डिंग बहुत ज्यादा है, 56% के करीब। एफआई का होल्डिंग 20% से ज्यादा है, डीआईए का ऑलमोस्ट 13-14% एंड पब्लिक होल्डिंग थोड़ा कम है। आई डोंट थिंक सो कि आने वाले टाइम में एफआई जो है अपने स्टेक को सेल करेंगे, क्योंकि एम्फेसिस अ वेरी गुड स्टॉक। सो एम्फेसिस से एफआई का स्टेक अगर आने वाले टाइम बढ़ता फिर से ऊपर की तरफ जाएगा, एंड जिस रेंज पे आई थिंक यहाँ से 1000 पॉइंट का रिकवरी आना चाहिए इन द लेस देन 2-3 क्वार्टर। सो डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेगा जब सारे स्टॉक चल जाएंगे, सो यही पीछे से भागेगा। एंड एफआई का स्टेक अच्छा होना पॉजिटिव है क्योंकि एफआई का सेल अप है, आने वाले टाइम एफआई का जो बाइंग है स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा। एंड आई एम वेरी बुलिश, सो 2000 करीब डेफिनेटली आंख बंद करके आपको स्टॉक को लेना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही स्टॉक को ले, वहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। सो इच एंड एवरी एस्पेक्ट स्टॉक इज गुड, परफॉर्मेंस इज गुड कंपेयर टू परसिस्टेंट सिस्टम, रिजल्ट उतने बढ़िया नहीं है इसलिए स्टॉक आज नेगेटिव टेरिटरी में है, बट डेफिनेटली मार्केट करेक्शन में आपको स्टॉक को लेना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट एम्फेसिस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, आस्क योर सेल्फ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी स्टॉक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।